लास्ट स्टॉक में मैंने केजी साफ किए थे तो, तो आज हम अपना एक्वेरियम साफ करेंगे और साथ शेयर करूंगा मैंने कैसे साफ किया मैं कैसे सब हूं? आप उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक्वेरियम की हालत कितनी गंदी हो चुकी है सारा कुछ हाल ही है क्योंकि आपको याद होगा हमारे सब फीचेस एक्सपायर हो चुकी थी कुछ रह गई थी वो मैंने अपने फ्रेंड के पास रखवा दी थी एक दो ही रह गई थी तो मैंने कहा मेरे पास उनको कुछ होने जाए मैंने उसको दे दी तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिल्टर और जो इसका हीटर था वो मैंने निकाल के साइड पर रख दिया था ये इसको ना कुछ हो जाए इसको रखने के बाद अब बारी आती है ये मैंने एक टूटी हुई प्लेट ले ली जो बिल्कुल वेस्ट थी उसके बाद मैंने सोचा इसके साथ निकालूंगा सारा कुछ जो हमारा इसके अंदर मैंने यहाँ टेपर पर फोन सेट कर लिया और यहाँ पर मैं सॉरी लाइट ऑन करना भूल गया था जिसकी वजह से आपको थोड़ी जो वीडियो है वो थोड़ी आपको इतनी लाइट में नहीं नजर आएगी उसके बाद यहाँ पर जो उसकी मोटी मोटी ऊपर चीज़ें थी जितनी भी लकड़ी वगैरह मैंने ऊपर सब कुछ रखे हुए थे डेकोरेशन के लिए पौधे वगैरह उन सबको मैंने निकाल लिया और अगर, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं उसको क्यों साफ कर रहा हूँ तो हमारा अगला व्लॉग जरूर देखिए उसके अंदर एक सरप्राइज आपको जरूर मिलेगा इन शाला इनशाला तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने की तरह से साफ कर रहा हूँ उसके ऊपर जो चीज़ें वगैरह थी उनको मैंने निकाल लिया जो उसकी सैंड थी वो निकाल निकाली थी जो प्लेट थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी जिसकी वजह से नहीं निकल रही थी जो ऊपर ऊपर थी दरमियान दरमिया से उसको तो मैंने निकाल ली लेकिन जो कॉर्नर्स कॉर्नर्स में थी वो मैंने हाथों से ही निकाली थी यहाँ पर मैं प्लेट से ही निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर अच्छी तरह से सैंड तो तो को निकालना क्योंकि सैंड ये कम से कम दस बड़ा किलो है तीन फुट का मेरा एक वेडिया मैं आपको अगर अगर पहले ब्लॉग आप देखते हैं तो आपको पता ही होगा तो उसके बाद यहाँ पर सारी सैंड आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रही थी और जो साइड साइड पर थी उसको मैं हाथों से यहाँ पर निकाल रहा निकालूँ प्लेट मैंने साइड पर रख दिया है और यहाँ पर हाथों हाथों से निकाल रहा हूँ यार आपको यकीन नहीं आएगा कि कम से कम ये वाला व्लॉग 35 मिनट का बन रहा था जिसको मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की और थोड़ी कटिंग वगैरह करके कम से कम मुझे ये एडिटिंग करने में ही डेढ़ घंटा लग गया था तो यार ये बात आपको नहीं पता होती क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं पीछे से वो तो सामने नहीं आ रही होती तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हमें थोड़ी खुशी हो कि यार जो हम मेहनत करते हैं उसका हमें कोई दूसरा मिलता है सब्सक्राइब का बटन नीचे लगा हुआ है उसको आप क्लिक करें क्लिक करना उसको बिल्कुल फ्री है और लाइक भी मेरी इस वीडियो को ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लग रहा है आजकल जो मैं थोड़े कम ही ब्लॉग लगा लेकिन आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें उसके बाद यहाँ पर जो सेंड थोड़ी सी रह गई थी उसको मैंने अब प्लेट से निकाल रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने बकेट रखी थी ये भी तकरीबन फुल ही हो चुकी थी और ये कम से कम दस पंद्रह मिनट लगे थे सब साफ हो चुका था एक्वेरियम हमारा ये मैंने बीच में से सारे क्लिप्स वगैरह कट कर दिए क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग बना रहा था ये मैंने पहले भी बता दिया उसके बाद यहाँ पर मैं इसको बाहर लेके आ गया था सेंड को उसको अच्छी तरह क्योंकि साफ़ करना है साफ करने में भी बहुत टाइम लगता था लेकिन एक्वेरियम की आर क्लिनिंग करना बहुत ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी वाला काम होता है क्योंकि इक्वेरियम बहुत बड़ा होता है अगर आपका छोटा है तो फिर आसानी ही होगी लेकिन जब आपका बड़ा इक्वेरियम है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके बाद जो रॉक्स वगैरह थे ऊपर डेकोरेशन की चीज़ें थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया सैंड में से क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था मेरे हाथ वगैरह मूव नहीं हो रहे थे इसके अंदर तो क्योंकि बकरी भी थोड़ी छोटी ही थी सैंड को साफ़ करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है बस आप अच्छी तरह इसको पानी में हाथ वगैरह अच्छी हाथों से इसको साफ़ कर करके तीन से चार दफ़ा पानी को निकालना होता है देर लग जाती है लेकिन ये है आसान काम तो उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह मैं इसको बार, बार बार पानी डाल रहा हूँ बार बार निकाल रहा मैंने ये जो पाइप लगाया हुआ था उसको मैंने ओने रखा था क्योंकि जो गंदा गंदा ऊपर पानी था जो ऊपर गंद वगैरह ऊपर तैरा था वो निकलता जा रहा था और नीचे से जो सारी सैंड थी वो साफ होती जा रही थी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक्वेरियम क्लीनिंग का डिटेल से लगाऊं कि इसमें इसकी आप कैसे क्लीनिंग कर सकती है आपके एक्वेरियम के अंदर जो डिजीज़ लग जाती है ना साफ़ करने से वह क्या क्या उससे आप कैसे बच सकें तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई इन शाला इनशाला एक वीक के अंदर अंदर आपको मैं उसकी भी उसका भी ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा अच्छी तरह से सैन तकरीबन तकरीबन थर्टी परसेंट साफ हो चुकी थी बस ट्वेंटी परसेंट ऊपर ऊपर जो इसका गन था वही साफ़ करना था मैं बार बार इसके अंदर पानी को ऐसे पाइप के अंदर डाला था फाइनली फाइनली बीस मिनट के बाद हमारी जो सैंड थी और जो ब्लॉक्स वगैरह थे अच्छी तरह से साफ हो चुके थे इनको मैंने धूप के लिए फिलहाल अभी धूप तो नहीं थी इसको मैंने छत पर रख दिया थी सुबह धूप निकले तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से यहाँ पर धूप लग रही थी सुबह का टाइम था मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉग यहाँ पर भी शूट कर लिया इधर इस अच्छी तरह से इसको धूप लग रही है धूप लगेगी जितने भी डिजीज़ वगैरह जैसा सीमेंट इत के अंदर वो सब अच्छी तरह से खत्म हो जाएंगे और ये उसी दिन का व्लाग था उससे अगले दिन का व्लॉग था ये वाला उसके बाद यहाँ पर मैं एक्वेरियम को बाढ़ लेकर आ गया था बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगर अकेला बंदा एक्वेरियम को साफ़ करे बाहर तो ले जाते रहे जो उसकी चीज़ें वगैरह थे मुझे नहीं मेट थी मैंने यही भी क्लिप में से कट कर, कर दिया था यहाँ पर छोटा भाई मैं के तंग करा था मुझे उसके बाद यहाँ पर मैंने यह ये पाइप वगैरह फिट कर दिया सब कुछ मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने फिट कर दिया मैं जो गया था एक्वेरियम के लिए जो क्लीनिंग के टाइम जो हमें सर्फ वगैरह और जो नमक वगैरह चाहिए होता है मैं वो यहाँ पर आकर रख दिया था सर्फ मुझे मिलने धर आया तो मुझे मेरा तो मैंने यहाँ पर रख देता कि मैं बोलूँ ना कि मुझे सर्फ की भी जरूरत थी उसके बाद यहाँ पर मैंने किचन से नमक भी ले के गए नमक मुझे प्लेट नहीं मिली तो मैं इसी में ले आया उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर रख दी थी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दी थी अपने क्यूडियम की क्लिनिंग करना क्लिनिंग करना ही यहाँ पर मेन चीज़ होती है आप जब, जब, जब साफ़ करना है सबसे पहले एक अपने जो सख्त कपड़ा होता है या जो स्टील वुल बर्तन साफ़ करने वाला है वो ले लें अच्छी तरह से आपने यहाँ पहले नमक से साफ़ करना है थोड़ा सा सर्फ ऐड करके अच्छी तरह से जब नमक से आप साफ़ कर लें आपको सर्टिफिकेशन हो जाए कि यार क्यूवे में अब साफ लग रहा है उसके बाद आप ले लें सर्फ जो आपका नमक बच गया था उसके अंदर आप सर्फ मिक्स कर लें इसी तरह से अपने क्वेरियम को साफ करते जाएं करते जाएं कम से कम कम से कम अपने क्वेरियम को आपने आधे घंटे तक इसको ऐसे ऐसे करते जाना है करते जाना जाना है बीच में आप कम से कम पाँच छः मिनट के बीच में की भी इसमें इसको एक ब्रेक दे देते हैं क्योंकि जो जटा से वगैरह है वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं यहाँ पर एक्वेरियम के अंदर पानी भी बहुत था खट्टा हो चुका था इसको मैंने नीचे मैट रख दिया हुआ था आप जरूर मैट या कोई कपड़ा नीचे रख लें कोई गंदा कपड़ा इसको थोड़ा गीला करके एक्वेरियम के नीचे रख लें ताकि वो अच्छी तरह से मूव होता रहे मैंने जी यहाँ पर जो हमारा मैट होता है घर में पड़े होते हैं छोटे छोटे मैट उसको मैंने रखा हुआ था एक्वेरियम का जो ये बैकग्राउंड वॉल पेपर था उसको भी मैं उतार रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गंद और डस्ट वगैरह चबक चुकी थी क्योंकि जब से गया था उसको मैंने साफ इतना अच्छी तरह से नहीं किया था मैं अंदर अंदर से ही बस साफ़ करता था उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी जो, जो टेप्स वगैरह लगी हुई थी अच्छी तरह से सब कुछ मैंने उतार लिया इसका वाल पेपर फट गया था मैंने कहा चलो हेड है न्याई लगाना है इसके बाद यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पैर के अंदर से इसको अच्छी तरह साफ़ कर रहा हूँ उसके ऊपर निशान वगैरह पड़ चुके थे अच्छी तरह अच्छी तरह से इसको मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ कर लिया कि जब तक मुझे सर्टिफिकेशन नहीं हुई इसको मैं साफ़ करता गया करता गया करता गया और करता ही गया हाँ यार यहाँ पर मैं आपको एक आपको टिप बताऊंगी कि जब हाँ हमारा एक्वेरियम पड़ा पड़ा हम उसको साफ नहीं करते थोड़ी तो लापरवाही करते हैं तो ऊपर हमारे एक्वेरियम के थोड़े तो निशान पड़ जाते हैं उसको आप साफ ऐसे करना होता है कि आपने स्टील वूल लेके ना उसको आपने कम, कम से कम पाँच से छः मिनट के लिए गर्म पानी में उस सर्फ वाले गर्म पानी में उसको आपने है स्टील वूल के ऊपर जब जितना सर्फ लग जाए तो आप वो जो निशान एक्वरियम के ऊपर पड़े थे उसके ऊपर थोड़ा पानी डालें उसको अच्छी तरह से साफ करें आप देखिए कैसे जल्दी जल्दी आपका एक्वेरियम साफ हो जाएगा आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं इसके ऊपर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से उसके पानी मैंने इसके ऊपर लगा दिया Years later. और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद आज जाकर हमारा कैरियम कहीं साफ हो ही गया तो ऊपर जो उसका पानी बगैर था सर्फ वाला उसको मैंने ऊपर अच्छी जगह उसके ऊपर पानी मैंने इसके ऊपर मार दिया ताकि अच्छी तरह से सर्फ इसके ऊपर से उतर जाए फाइनल रिजल्ट यह आया इसके अभी इसके अंदर मैंने सैंड और लाइफ प्लान और एक नैशनल जरूर ऐड करना है तो स्टेट यून फॉर पार्ट टू इसका इनशाला पार्ट टू आएगा आपने उसको जरूर देख सब्सक्राइब करना मंद भूलिएगा अभी के लिए इजाज़त दीजिए अला हाफि